ऐसा ध्यान रखना, आप अपनी जड़ों को कभी भूलना मत। जड़ें कौन सी होती है आपकी? आपके प्राथमिक लेवल पर जो आपके शिक्षक थे, जिन्होंने आपको आई सिखाया था, वो सबसे कठिन काम था। हमारा काम सबसे पहली बात मैं स्टूडेंट से करूंगा कि कभी भी अपने कंफर्ट जोन में हमेशा मत रहना। कंफर्ट जोन क्या होता है? जैसे आप चार लोग साथ में रहते हो, या फिर आप जिन जिन चीजों में हमेशा सुरक्षित महसूस करते हो, हमेशा एक कदम उससे आगे बढ़कर देखना। ये कहावत है कि आप तब तक इंटेलिजेंट है जब तक आपके सामने कोई ठोठ बच्चा है। जैसे ही आपके सामने कोई इंटेलिजेंट बच्चा आएगा, आप ठोठ घोषित हो जाओ। इसलिए हमेशा कंफर्ट जोन से बाहर देखें। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, जब मैं सेकंड ग्रेड था, 2011 के अंदर ही बन गया था मैं, जब 20 वर्ष की अवस्था में मैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में सेवाएं देने के लिए मुंबई चला गया था। उसके बाद से जैसे ही आरबीआई में लगा, तो वहां से मैंने वापस थोड़ा सा कंफर्ट जोन, मैंने कहा यहाँ तो ठीक है, सब अपने से थोड़े थोड़े कमजोर है तो यहाँ बैठे रहेंगे, क्योंकि कमजोर के अंदर बैठे रहने से आपको अच्छा फील होता है। आप रूम में चार बच्चे हैं, वहां पे रूम में रहते हैं, और तीन स्टूडेंट अगर आपसे ठोट है तो चौथे को बहुत अच्छा लगता है और वो बड़ा गुरूर में रहता है हमेशा, जबकि उसको ये नहीं पता कि आगे जाने के बाद कैसे कैसे स्टूडेंट्स को फेस करना है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखना कि अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। तो जैसे ही मैं आरबीआई से वापस सेकंड ग्रेड में आया, राजस्थान में मेरी 27वीं रैंक लगी, आसपास के जो भी साथी थे वो यही कहते थे कि आप बहुत इंटेलिजेंट हो, ये वो। उसी साल जैसे मैंने आईएएस का एग्जाम दिया, प्री पास हुआ, मेंस में जैसे फेल हुआ, तो मुझे वापस मेरी क्षमताओं का पता चला कि नहीं, अभी तक कुछ भी हासिल नहीं है, जो आसपास कह रहे हैं ये ठीक नहीं है। फिर जैसे स्कूल एक्सर में राजस्थान 13वीं रैंक के साथ सिलेक्शन हुआ, उसी साल आरएएस में भी 712वीं रैंक थी, वहाँ गया नहीं था, कुछ हेल्थ इश्यूज थे। फिर कॉलेज लेक्चर में गया और अभी भी 3-4 पुस्तक लेखन पे लगा हुआ हूँ। तो हमेशा ठहरे नहीं। वो हमारे एक कर्जन हुए थे, लॉर्ड कर्जन, आपने इतिहास पढ़ा होगा, उन्होंने कहा था कि आगे बढ़ना जरूरी है, पीछे जाना बड़ा घातक है, और ठहरना और भी ज़्यादा नुकसानदायक है। तो हमेशा अपनी सीमाओं से बियॉन्ड देखें और काम करें। दूसरी बात, आप जब भी कहीं जाते हैं तो अपने नाम के पीछे राजपुरोहित शब्द बड़े गर्व से लगाते हैं, और राजपुरोहित शब्द लगाने के पीछे एक अंदर से एक बड़ा अच्छा सा फील होता है, कौन है तो राजपुरोहित। ये फील क्यों होता है? क्योंकि हमारे पूर्वजों ने, हमारे माता पिता ने, हमारे पीढ़ी के पुराने लोगों ने इतना कुछ दिया है कि पूरे समाज को रेपुटेट किया, प्रतिष्ठित किया है, और उस प्रतिष्ठा का फायदा आज भी हम लेते हैं, और राजपूत लगाते हुए बड़ा गर्व महसूस होता है। तो आप सभी युवाओं पर इस समाज का एक बड़ा ऋण है आपके। वो ऋण ये है कि आपको एक इतना बड़ा विरुद्ध दिया है, एक इतनी बड़ी उपाधि दी है, जो कहने भर से सामने वाले के मनोविचार परिवर्तित हो जाते हैं। तो मैं आप सभी से कहूंगा कि आपके ऊपर जो समाज का ऋण है, इस ऋण को आपके ऊपर रखना मत। आप समाज के लिए जितना कुछ कर सकते हो वो करना, अगर आप अच्छा नहीं कर सकते हो तो कम से कम बुरा कभी मत करना कि समाज का नाम खराब हो। हम कहीं पर भी जाते हैं, मैं विभिन्न समाजों के कार्यक्रम में जाता हूँ, कई सारे प्रशासनिक कार्यक्रम में भी जाता हूँ, बहुत जगह जाता हूँ, लेकिन जहाँ भी जाता हूँ हमारा प्रयास ही रहता है कि हमारे समाज का नाम और बढ़िया हो। हालांकि मेरे डॉक्यूमेंट्स में राजपूत नहीं लिखा हुआ, लेकिन मैं जहाँ भी जाता हूँ तो राजपूत जरूर लगाता हूँ। क्यों? क्योंकि इससे एक अच्छी छवि हमारी जाती है। तो कभी भी ऐसा कोई गलत कार्य स्टूडेंट्स में कहूंगा कभी मत करना। अच्छा कर सको तो ठीक है, नहीं करो तो कोई बात नहीं, लेकिन ऐसा कोई गलत काम मत करना जिससे कि पूरे समाज की रेपुटेशन खराब हो। आप उस प्रतिष्ठित समाज से पैदा हुए हैं जो समाज सदियों से पूजा आता रहा है, जो समाज नाम लेने भर से प्रतिष्ठित है, उसका नाम कभी खराब मत करना। जर्मन एक साइकोलॉजिस्ट हुए थे डेल कार्गी, जिन्होंने एक स्टेटमेंट दिया था कि बन सको तो एक पर्वत की चोटी बनो ताकि आप किसी को प्रतिष्ठित कर सको। अरे चोटी नहीं बन सकते तो पर्वत बनिए जो आप प्रकृति के काम आ सको, और पर्वत नहीं बन सकते तो देवदार का वृक्ष बनिए जो किसी को छांव दे सको। अरे देवदार का वृक्ष भी नहीं बन सकते तो कम से कम झाड़ी बनिए कि राहगीर आपकी छांव में बैठ सके, और झाड़ी भी नहीं बन सकते तो कम से कम एक नम घास बनिए कि उस घास पे कोई तपते हुए जलते पैरों पर कोई चल के खुशी महसूस करे। और अगर आप घास भी नहीं बन सकते तो पगडंडी बनिए कि आने वाली पीढ़ियां आपके रास्ते का अनुसरण कर सके। कुछ ऐसा कर जाइए कि कम से कम हमारे समाज का नाम कभी भी खराब नहीं, क्योंकि आपका तो कोई नाम है नहीं,
आपको कोई नहीं जानता, लेकिन आपके नाम के पीछे लगा हुआ शब्द जो है बड़ा महत्वपूर्ण है। और आखिरी तीसरी बात जो मैं कहना चाहूंगा, मेरी बात खत्म करूंगा क्योंकि समय की बड़ी बात है, मैं बात करना चाहूंगा हमारे वरिष्ठ लोगों से, वो कभी भी अपने स्टूडेंट को, अपने बच्चों को फोर्स ना करें कि आपके परसेंटेज कम है तो उसको दबाव ना दें। वो जो चाहता है, जो टारगेट, कई बार मैंने देखा है कि वो साइंस की इच्छा नहीं, उनको साइंस दिला दी गई, अपने बच्चे की दूसरे बच्चों के साथ तुलना करते हैं, ऐसा काम ना करें, क्योंकि हर बच्चे में एक अलग कैपेबिलिटी होती है, हर व्यक्ति में एक अलग क्षमता होती है। हम अक्सर देखते हैं कि हम हमारे बच्चों की तुलना दूसरे पड़ोसी के बच्चों से करते हैं, जिससे वो हमेशा हीनता की भावना का शिकार होता है। और बच्चा अगर हीनता की भावना का शिकार हो जाता है तो वापस उभरने में उसको कई वर्ष लग जाते हैं। इसलिए ऐसा ना करें, बेहतर यही है कि बच्चे पर पूरा ध्यान रखें और उसको कहें जो भी तुझे बेहतर लगता है वो डिसीजन ले। बच्चा कभी गलत डिसीजन नहीं लेगा। तो आप सभी से ये कहना चाह रहा था। और लास्ट बात जो है वो मैं स्टूडेंट से कहूंगा कि जब भी इस हॉस्टल परिसर से छोड़ के आप जाओ आगे उच्च अध्ययन के लिए, तो हमेशा ध्यान रखना आप अपनी जड़ों को कभी भूलना मत। जड़ें कौन सी होती है आपकी? आपकी प्राथमिक लेवल पर जो आपके शिक्षक थे, जिन्होंने आपको आई सिखाया था, वो सबसे कठिन काम था। हमारा काम बहुत आसान है, कॉलेज में बच्चा तैयार होके आता है और हम लेक्चर देके निकल जाते हैं, लेकिन पहली क्लास में बच्चे को जो सिखाया जाता है वो सबसे कठिन काम होता है। वो आपकी जड़ें हैं, उनको ना भूलें। आपके माता पिता जिन्होंने आपकी खुशियों के लिए पता नहीं कितने कुछ सैक्रिफाइस किए होंगे। आप देखना जब घर में शादी होती है तो सबसे फटे हुए कपड़े आपके माता पिता के होते हैं, क्योंकि उन्होंने आपको तैयार करने के लिए अपना बहुत कुछ है वो त्याग दिया है। वो आपकी जड़ें हैं, आपका गांव आपकी जड़ें हैं, आप जिस हॉस्टल से निकले ये आपकी जड़ें हैं, और इन जड़ों को कभी भूलना मत, क्योंकि अगर जड़ से जो कट गया वो न आकाश में जाएगा न नीचे रहेगा, कोई काम का नहीं। इसलिए हमेशा आगे बढ़े और अपनी जड़ों से जुड़े हुए रहें। और जैसे ही इस हॉस्टल परिसर से बाहर निकलते हैं, आप किसी कॉलेज में जाएंगे, कॉलेज में जाने के बाद अपनी गुरु संगत भी बहुत अच्छी रखें, क्योंकि कॉलेज में आपको नशेड़ी भी मिलेंगे, कॉलेज में आपको बहुत आवारा किस्म के लोग भी मिलेंगे, और कॉलेज में आपको बेहतरीन बुद्धिजीवी स्टूडेंट भी मिलेंगे। तो बढ़िया से अपना ग्रुप रखना और बहुत सारी पढ़ाई करना। मेरा आशीर्वाद शुभकामनाएं आपके साथ है। जब भी कभी किसी स्थिति में आपको आवश्यकता हो कि बाड़मेर कॉलेज में मैं हूँ वहाँ पे, जब भी आपको जैसी भी आवश्यकता हो मैं हमेशा यहाँ पे तैयार रहूंगा। आपने मुझे आमंत्रित किया इसलिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रगुजार।